हम कक्षा 12वीं में अध्याय 13 महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछली कक्षा में भी आप लोगों को समझाया कि महात्मा गांधी कौन थे, वे कौन कौन से राष्ट्रीय आंदोलन चलाए। इसमें उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सारी चीज़ें चलाए थे। तो हमने असहयोग आंदोलन और वह हमने देख चुके थे, फिर खिलाफत आंदोलन का भी देख लिया था। आज हम देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन किस तरह से उन्होंने प्रारंभ किया था। तो सबसे पहले उन्होंने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो प्रारंभ किया था, उन्होंने नमक कानून बनाकर या नमक कानून को तोड़कर उन्होंने यह सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया था। उन्होंने दांडी यात्रा जो की थी, उस समय उन्होंने दांडी यात्रा जो साबरमती आश्रम से वह कहाँ तक गए, आश्रम से समुद्र तट तक वह पैदल गए और वहां पर जाकर उन्होंने मुट्ठी भर नमक बनाकर इस कानून को तोड़ा था। फिर है प्रथम गोलमेज सम्मेलन। ये जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसमें गांधी जी थे, इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था और वहां पर गांधी जी के नेतृत्व में इन्होंने वहां पर जाकर नेतृत्व किया और वहां पर उसका कोई लाभ नहीं निकला था, क्योंकि वह जिस तरह से बात कर रहे थे तो उन्होंने सांत्वना तो दी लेकिन उन्होंने किसी तरह से कार्रवाई नहीं की। तो इस तरह से यह जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था वह असफल सिद्ध हुआ, क्योंकि सिर्फ वहां पर जो वरिष्ठ नेता थे वे कोई भी उस सम्मेलन में उपस्थित नहीं हुए थे। लेकिन जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो इंग्लैंड में हुआ, तो यहाँ पर प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी गए हुए थे। तो गांधी जी जब गए वहाँ पर, तो उन्होंने प्रतिनिधि के रूप में उनके सामने बात रखी। उन्होंने कहा कि यदि हमें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जब उन्होंने गया तो बोले कि हमें हक चाहिए, हमारा शासन होना चाहिए और जो उच्च अधिकारी हैं वे सारे जो हैं हमारे जो भारतीय हैं वह भी उसमें शामिल होना चाहिए। तो उन्होंने सांत्वना वहाँ भी दी, लेकिन जब वहां पर थोड़ा सांत्वना दिया तो उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को थोड़ा सा स्थगित कर दिया था। लेकिन उसके बाद जो है द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, उस समय भी गांधी जी ने यह कहा था कि जब ये द्वितीय युद्ध समाप्त हो जाएगा तो हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। तो वहां पर भी अंग्रेजों ने जो इंग्लैंड के अंग्रेज सरकार जो थी, उन्होंने सिर्फ सांत्वना दिया कि द्वितीय युद्ध के पश्चात हम आपको पूर्ण स्वतंत्रता दे देंगे। लेकिन जब युद्ध समाप्ति के पश्चात, युद्ध जब समाप्त हुआ, तो उसके बाद वे अपने वादे से मुकर गए। अपने वादे से मुकरने के कारण यहाँ पर गांधी जी ने फिर दोबारा उन्होंने अपना जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसको फिर से प्रारंभ कर दिया था। और उसके बाद उसने जो असहयोग आंदोलन के जो कार्यक्रम थे, वही सारे कार्यक्रम जो थे सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी थे, जिसमें कि नशाबंदी को बंद करना, उसका विरोध करना, विदेशी वस्तुओं का विरोध करना, देसी को अपनाना, विदेशी का बहिष्कार करना, इस तरह से ये जो सारे कार्यक्रम थे ये जो थे सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी ये शामिल थे। जब ये सारी चीज़ें होने के बाद भी जब हमको आज़ादी नहीं मिली या पूर्ण स्वराज नहीं मिला या पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिली, उसके बाद फिर गांधी जी को फिर यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया था 1942 में, जब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था क्योंकि जब उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था। तो जैसे ही ये प्रारंभ हुआ उसके तुरंत ही गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इसके बाद जो है यह आंदोलन जो है एक जन आंदोलन के रूप में भी उभर कर सामने आया था। इसमें गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो, मतलब इसका मतलब ये था कि हम या तो लड़ेंगे या फिर मर जाएंगे या फिर हम आज़ादी लेकर रहेंगे। इस तरह से यह जन आंदोलन के कारण अंग्रेजों की जो नींव 1857 के समय में हिल गई थी, उसी तरह से भारत छोड़ो आंदोलन के समय भी इनकी नींव हिल चुकी थी। और उसके बाद वे समझ चुके थे कि हमको जो है भारत को अब छोड़ना होगा या इसे आज़ादी देनी होगी। उसके बाद जब ये आंदोलन, फिर उसके बाद बीच में फिर बातचीत हुई, हिंदू मुस्लिम के बीच में बातचीत हुई, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना भी थे,
जवाहरलाल नेहरू भी थे, सरदार पटेल भी थे। इस तरह से इन लोग सब ने मिलकर कोशिश ये की कि भारत का जो विभाजन हुआ था अगस्त में, अगस्त 1947 में जो भारत का जो विभाजन हुआ था, कोशिश ये की जा रही थी कि भारत का विभाजन ना हो, ये सब मिलकर रहें, लेकिन ये जो वार्तालाप चल रही थी ये असफल साबित हुई। वे सिर्फ यही चाह रहे थे कि हमारे देश का विभाजन हो जाए, और गांधी जी नहीं चाह रहे थे कि भारत का विभाजन हो। जब 15 और जो विभाजन की चीज़ थी और जो स्वतंत्रता देने की बात हुई थी, ये 15 अगस्त 1947 को निश्चित किया गया था। जब ये चीज़ निश्चित की गई थी तो गांधी जी जो थे वह कलकत्ता में थे, वह वहाँ पर चले गए थे। यहाँ पर जैसे ये निर्णय हुआ तो लोग खुशी मना रहे थे यहाँ पर, लेकिन गांधी जी जो थे वे कलकत्ता में चले गए थे। और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जो आज़ाद हुआ था लेकिन दो भागों में विभाजित हो चुका था। जब गांधी जी कलकत्ता गए तो वहां पर उन्होंने 24 दिन का उपवास रखा था, 24 दिन का उपवास उन्होंने वहां पर रखा था, क्योंकि जब भी कुछ बुरा होता था तो गांधी जी को विरोध करने का तरीका यही होता था, वे या 21 दिन का या 24 दिन का वे उपवास में चले जाते थे। इसी तरह से वहां पर वे उपवास में थे और वे उस चीज को वे स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि हमारे देश की स्थिति क्या हो गई। और आज़ादी के बाद भी गांधी जी जो थे वे जगह जगह जाकर लोगों को समझा रहे थे, लोगों को संतुष्ट कर रहे थे, और उनकी जो इरादे थे उनको भी समझा रहे थे। इस तरह से गांधी जी के जो है आज़ादी के बाद भी उनका काम चलता रहा। लेकिन उसके बाद जो है आज़ादी के बाद जब विभाजन हुआ तो गांधी जी उससे संतुष्ट नहीं हुए, लेकिन उसके बाद कुछ लोग जो थे जो उनके विरोध में भी थे, कुछ पक्ष में भी थे, कुछ यही चाह रहे थे कि उनका जो है वह मुस्लिमों के पक्ष में है। इस तरह से जब गांधी जी को गोली मारा गया तो उस समय जो नाथूराम गोडसे थे वे एक ब्राह्मण व्यक्ति था, उसने आकर जब वह पूजा कर रहे थे तो उस समय उन्होंने गांधी जी को गोली मार दी। इस तरह से गांधी युग का जो है वह समाप्त हुआ। लेकिन उसके बाद जब विधानसभा में विधेयक सत्र चालू हुआ तो वहाँ पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के रूप में उनको ये उपाधि उनको दी गई थी। फिर हम देखेंगे गृहकाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किस प्रकार हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन कब और क्यों चलाया गया था, लाल बाल पाल कौन थे ये हमने आपको बताए थे, गांधी जी के रचनात्मक कार्यों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, और महात्मा गांधी का भारत को स्वतंत्र करने में योगदान कहाँ तक था यह विस्तार में विवेचना कीजिए। ये सारी चीज़ें जब आप पढ़ेंगे तो ये सारे जब आप वीडियो भी देखेंगे तो आपकी ये सारे उत्तर जो है आसानी से आपको प्राप्त हो जाएंगे, और इसको कॉपी में नोट अवश्य करना।